अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ लाइव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अब बर्थ से रिलेटिव आपके लिए मालूमाती वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक ऑल बर्थ्स पर है कि कौन सा बर्ड आपको क्या बेनिफिट देगा और कौन सा बर्ड आपको रखना चाहिए। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं, टाइम शॉर्ट है। तो आपको जो सबसे पहले जो नंबर वन पे लवबर्ड में आपको बेनिफिट देगा वो है आपका जो है फिशर लवबर्ड है, वो आपको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट देगा। चाहे आप उसकी जगह कोई सा भी बर्ड रख लें लेकिन बेनिफिट देगा, बेनिफिट के हिसाब से वो बर्ड अच्छा है क्योंकि वो ज़्यादातर आबादी बढ़ाने के लिए रखा जाता है। ठीक है, और अगर आपने शौकिया तौर पे रखना है तो माशाल्लाह से पारब्लू ओपलाइन बहुत ज़बरदस्त एंड बेस्ट है। पारब्लू हो गया, क्रिमिनो हो गया, पेस्टलिन हो गया, ठीक है, ये रख लीजिए। और बात रही अगर कारोबार के हिसाब से आप बर्जी से रखना चाहते हैं तो आप बिग साइज़ के बर्जी से रखिएगा। बिग साइज़ के बर्जी होंगे तो बहुत आपको फ़ायदा देंगे और उनको हवा और मौसम की मुज़र असरात से बचे रहेंगे वो, और वो बेहतरीन रहेंगे। और अगर आपने शौकिया तौर पे अगर बर्जी से रखने हैं तो आपने रख लेने हैं रेमबो बर्ड जी रखने हैं, और कोई से भी साइज़ देख लेना है, कैसा भी देना है आपको, जो भी पसंद हो आप रखिए। लेकिन अगर कारोबार भी पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जोड़ा बना के उनको रखिए और वो बिग साइज़ के होने चाहिए। ठीक है, बट आप रेमबो भी बना सकते हैं घर में, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पे। और ये मैंने करके तजुर्बा देखा है, ये काफ़ी बहुत अच्छा साबित हुआ है। ठीक है, तो बात रही कॉकटेल की, माशाल्लाह से इनको सॉफ्ट फूड दीजिए, ये कॉकटेल भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट देंगे। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, फ़ियाउन अल्लाह।